శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ శ్రీమద్ హోమ్ రెమెడీస్ పర్ స్వాగత్ హై ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే మనోవిజ్ఞాన్ కే బారే మే. ये हमारा पार्ट 3 है मनोविज्ञान के बारे में, जिससे यदि आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो मनोविज्ञान की उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये हमारा पार्ट 3 है. देखिए, माफ़ी मांगना हमेशा ये तय नहीं करता है कि आप गलत हों और सामने वाला ठीक, बल्कि इससे पता चलता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज़्यादा संबंध मायने रखता है. चुटकुले को समझकर उस पर हंसना हमारे दिमाग के 5 अलग अलग हिस्सों का काम करता है. सपोज आप पहली डेट पर जा रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट दिन माना गया है वो दिन है बुधवार. तो हमेशा फर्स्ट डेट आप बुधवार को तय कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है. तो एक गलत विचार आपके सारे मूड को खराब कर सकता है. ईमानदार होने से ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन जो बनता है वो पक्का होता है. यदि कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वो चीज़ें बंद कर दी हैं जो से आपको चाहिए था, बाकी आप में उसको मतलब कोई बदलाव आया नहीं है एक्चुअली में. यदि कोई इंसान कभी भी बोले यार मैं तुम्हारा काम कर दूंगा पर मैं पैसे नहीं लूंगा, तो कभी भी उसे ये नहीं कहना चाहिए यार ये काम मेरा जल्दी कर दे. आप उसको समय लेने दीजिए, वो आपके काम को 100% करेगा. जो लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर यकीन कम करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर्वाइकल इंस्टिंक्ट के कारण होता है, जो जानवरों में ज्यादा पाई जाती है. किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाना चाहिए. इसीलिए बोलते थे पहले के जमाने में संगति का असर बहुत पड़ता है. अगर लड़कियां आपको पसंद करती है तो वे आपको उन्हें घूरते हुए देखने पर भी आपको पसंद करती है. किसी के साथ लगातार ज्यादा देर तक बात करने से उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार के तौर पर देखते हैं तो ज्यादा संभावना है कि हम उसे खरीद लेते हैं. जिन महिलाओं के दोस्तों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा कूल और अच्छे मूड में रहती हैं. यदि आप बार बार अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो इससे उस लक्ष्य के सफल होने की संभावना कम हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्रेरणा खो देते हैं. तो जो आपने लक्ष्य रखा है उसके बारे में ज्यादा बात मत करो. जितना प्यार आपका साथी आपको दिखाता है उससे उससे ज्यादा प्यार दिखाना संबंधों में की गई सबसे आम गलती है. हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हमारी पसंद की म्यूजिक पसंद हो. 85% लोगों को इतना असली सपना आता है कि उन्हें उठने के बाद भी सही से पता नहीं होता है कि यह सब सपना था या असलियत. तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप इसे आजमाना. ज्यादा सवाल पूछना आपको ज्यादा पसंद होने वाला बनाते हैं. नाइन्टी परसेंट लोगों का दिमाग यह सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए, ऐसा सोचते हैं. कभी कभी हम किसी को काम करने से ज्यादा उसके बारे में सोचकर ज्यादा खुश होते हैं. 70% समय हमारा मस्तिष्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है. हमारे दिमाग को
लंबी उबाई लेखों की बजाय छोटे और रोचक तरीके से लिखी गई जानकारियां पसंद है, इसलिए मैं छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। एक साथ में सारे 30 मिनट की वीडियो अगर बना देता तो आप शायद सुनना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि टॉप 10 लिस्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स जैसे आर्टिकल्स जल्दी वायरल होते हैं। जब लोग समूहों में बात करते हैं तो 80% ये तय है कि वो किसी की बुराई या शिकायत कर रहे होते हैं। यदि दोस्ती 7 साल से अधिक की है तो इसके जीवन भर चलने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा मजाकिए नहीं होते। पुरुष केवल अधिक चुटकुले बनाते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि किसी को चुटकुले पसंद है या नहीं। जिस तरह से लोग रेस्तरां के कर्मचारी के साथ व्यवहार करते हैं उससे उनके व्यक्तित्व और चरित्र में के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो हो सकता है कि वो दुखी और अकेला महसूस ज्यादा कर रहा हो। हमारा जो दिमाग है सपनों में अज्ञात चेहरों को नहीं देख सकता। हमारे सपने में देखे जाने वाले सभी चेहरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमने अनुभव किया हुआ होता है। हमारा मस्तिष्क एक उबाऊ काम को पल भर में मजेदार काम में बदल देता है अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं। लगभग 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। जो फोन की वाइब्रेट जो महसूस होता है बहुत लोगों को जेब में वाइब्रेट हुआ है, ये उसी का नतीजा है। आप कितने भी कोशिश करने के बाद यह याद नहीं रख सकते कि आपका सपना कैसे शुरू हुआ था। जब हम खुश होते हैं तो हमें कम नींद आती है। किसी प्रियजन का हाथ पकड़ने से हमारा तनाव कम हो जाता है और हम अधिक शांत और खुश महसूस करते हैं। हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं हमें दुनिया वैसी ही लगने लगती है। हम दिन के समय की तुलना में रात में ज्यादा आसानी से रो सकते हैं। हाई आईक्यू लेवल वाले लोगों को किसी के साथ प्यार में पड़ने में कठिनाई होती है। कई अध्ययनों को द्वारा पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 आवर्स और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती। 47 आवर्स। तेज धुनों वाला और फास्ट म्यूजिक सुनने से हम शांत, तनाव मुक्त और खुशी महसूस करते हैं। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बना लेते हैं तो आप उसे नापसंद करने लगते हो। शोधकर्ताओं ने पाया है कि फोबिया आनुवंशिक हो सकता है, मतलब किसी भी चीज से या स्थिति से डर। फोबिया और डर आपके माता पिता से आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। जब हमें किसी अपनी किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता है तो हम उस बात का बचाव करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति जो आमतौर पर परवाह नहीं करने का दिखावा करता है वो सबसे ज्यादा परवाह करता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्या को खोजने की कोशिश करता है क्योंकि हम उन्हें हल करने के लिए डिजाइन करते हैं। यही मुख्य कारण है कि हमें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि मैं बता रहा हूं, नकारात्मक सोच आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकता है। जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी नेगेटिव थिंकिंग वाले होंगे। हमारी जीभ की लंबाई का सीधा संबंध हमारी यौन जिज्ञासा या सेक्सुअल क्यूरियोसिटी से होता है। भविष्य के बारे में आशावादी होने से भविष्य में चिंता और बीमारी की संभावना कम हो सकती है। हम उन चीजों या घटनाओं को हमें असहज करती है बोलने के बजाय लिखकर आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें या घटनाएं होती हैं जो हमें असहज होते हैं। कॉमेडियन और व्यंग्यकार आम लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और अकेले होते हैं। प्रेम दिमाग में होने वाले रासायनिक क्रियाओं का एक उदाहरण है। हम कभी भी अपने दिमाग को 100% लापरवाह नहीं बना सकते। दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा अपने प्रति सतर्क रहता है।
जो लोग अधिक हंसते हैं उनके दर्द की सहने की क्षमता भी अधिक होती है। ये देखने में आया है कि किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। जिन लोगों की ह्यूमर या व्यंग को समझने की क्षमता अच्छी होती है वो लोगों के दिमाग को पढ़ने में भी माहिर होते हैं। अपने दिमाग या मन को एक जगह पर स्थिर या शांत रखना बहुत कठिन है। हमारे दिमाग 30% समय तक भटकता रहता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है क्योंकि यह उन्हें हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यही मुख्य कारण है कि हम बार बार समस्याओं का सामना करते हैं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको मनोविज्ञान के बारे में बताई है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।